गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश में आज हम लेसन 8 रन रीड करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले प्री रीडिंग में आपको एक पिक्चर दी गई है और उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, आप चित्र में क्या देखते हैं। तो यहाँ पर आपको चित्र में क्या दिखाई देता है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि बच्चे प्रकृति का नज़ारा देखकर बहुत खुश हो रहे हैं, है ना। इनको क्या दिखाई दे रहा है, पक्षी, इंद्रधनुष, मोर, और ये सब देखकर बच्चे खुश हो रहे हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल सीन आफ्टर द रेन। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज द मूड ऑफ चिल्ड्रन इन द पिक्चर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो पिक्चर में बच्चे दिखाई दे रहे हैं उनका मूड कैसा है और उनके मूड का रीज़न बताइए, यानी कि कारण बताइए। तो यहाँ पर हमें बच्चे जोली मूड में यानी कि हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं। और ये सब खुश क्यों हैं, क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना है और प्रकृति का नज़ारा अत्यंत मनोरम है। तो इसका आंसर हम इंग्लिश में लिखेंगे, द चिल्ड्रन आर इन अ जॉली मूड, दे आर हैप्पी बिकॉज द वेदर इज़ प्लीजेंट एंड एवरीथिंग लुक्स फ्रेश एंड गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू फील हैप्पी, सॉरी व्हेन डू यू फील हैप्पी, नरेट वन सिचुएशन और ओकेजन व्हेन यू फेल्ट वेरी हैप्पी। आप खुश महसूस कब करते हैं, कोई भी एक सिचुएशन, एक स्थिति बताइए, एक घटना बताइए, अवसर बताइए, जब भी आप बहुत खुश महसूस करते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी आप अपनी बात बता सकते हैं, जब आप बहुत खुश होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर ऐसे लिखेंगे, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल सीन आफ्टर द रेन। और आगे है अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज द मूड ऑफ द चिल्ड्रन इन द पिक्चर, गिव रीजन और एग्जांपल्स फॉर योर आंसर। द चिल्ड्रन आर इन अ जोली मूड, हैप्पी। जोली मूड क्या होता है, हैप्पी। They are happy because the weather is pleasant, मौसम सुहाना है, and everything looks fresh and gay, और हर चीज़ fresh, ताज़ी और खुश दिखाई दे रही है। When do you feel happy, आप खुश कब होते हैं, narrate one situation or occasion, कोई भी स्थिति या अवसर बताएं जब आप बहुत खुश महसूस करते हैं। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, वी फील हैप्पी टू प्ले इन द रेन, हम बारिश में खेल कर बहुत खुश होते हैं। लास्ट संडे, पिछले रविवार, वॉज अ हैप्पी डे फॉर मी, पिछला रविवार था वो मेरे लिए बहुत अच्छा दिन था। इट वॉज़ अ रेनी डे, उस दिन बारिश आई थी। आई एंजॉयड प्लेइंग इन द रेन विद माई फ्रेंड्स, और मैंने अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए मज़ा किया। स्प्लैशिंग वाटर ऑन वन अनादर प्रोवाइडेड अस अ ग्रेट फन, और एक दूसरे पर पानी उछालते हुए हमने बहुत मज़ा किया। चलिए अब पोएम रिसाइट करते हैं। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इन टू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन। अवे फ्रॉम द सिटी एंड इन टू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन नीथ द ट्रीज, रन लिटल रेसेस विद ईच लिटल ब्रीज। रन डाउन द हिल साइड्स, रन अप द लेन, रन थ्रू द मिडो, then run back again, run down the hillside, run up the lane,
run through the meadow, run, then run back again. Run and be merry all through the day, run to the country away away. चलिए मैरी डॉन द्वारा लिखी गई इस पोएम की अब हम हिंदी अनुवाद करके देखते हैं. Away from the city and into the sun, out to the country, run, run, run. यह कविता देहात के आकर्षक और स्वच्छ और खुशी भरे वातावरण का आनंद उठाने की प्रेरणा देती है. लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों, किसी भी एक अकेली लाइन का कोई भी मतलब नहीं निकलता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी लाइनों को जोड़ कर देखेंगे. जैसे अवे फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर, एंड इन टू द सन और धूप में, आउट टू द कंट्री देहात में, रन 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 दौड़ो दौड़ो दौड़ो. तो यहाँ पर कवि कहता है कि शहर छोड़कर धूप और देहात के खुले वातावरण में भाग जाओ. इसका मतलब क्या बनेगा कि शहर छोड़कर धूप और देहात के खुले वातावरण में भाग जाओ. आगे है रन इन द रेन ड्रॉप्स, बारिश में भागो, बूंदों में भागो. रन नीड द ट्रीज, पेड़ों के नीचे भागो. रन लिटिल रेसेस विद ईच लिटिल ब्रीज, वहाँ शीतल मंद पवन के साथ साथ धीरे धीरे दौड़ो. यहाँ पर इन लाइनों का क्या मतलब होगा, बारिश की बूंदों का आनंद लो, बारिश की बूंदों में भागो, पेड़ों के नीचे भागो और शीतल ठंडी धीमी पवन के साथ साथ धीरे धीरे भागो या दौड़ो. आगे है रन डाउन द हिल साइड, पहाड़ी के नीचे. रन अप द लेन, तंग गलियों में. रन थ्रू द मिडो, घास के मैदान में भागो. देन रन बैक अगेन, और फिर वापस भागो. तो इस तरह से इन लाइनों का क्या मतलब होगा, पहाड़ी के नीचे, तंग गलियों में और घास के मैदान में भागो और फिर वापस भागो. रन एंड बी मैरी, भागो और खुश रहो. ऑल थ्रू द डे, पूरा दिन. रन टू द कंट्री, देहात में भागो. अवे अवे, दूर दूर. यहाँ पर क्या मतलब होगा, इससे आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप सारा दिन खुश रहेंगे और आपको प्रसन्नता मिलेगी. फिर है रन टू द कंट्री, अवे अवे, और यहाँ पर कवि फिर से देहात में भागने के लिए कहता है.